हर वोट है कीमती और हर आवाज का है महत्व। फर्स्ट टाइम वोटरों से पीएम मोदी ने की खास अपील। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान जरूर करने की अपील की है। जी हां, देश भर में आज लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। आज यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर देशवासियों से मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के वोटर्स से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि वोटिंग जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाएं। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम वोटरों से भी पीएम मोदी ने खास अपील करते हुए कहा कि वो भारी संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने कहा कि हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। अब पहले चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर होगी वोटिंग, आइए जानते हैं। पहले चरण के तहत देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। 102 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में नागपुर, कन्याकुमारी, चेन्नई सेंट्रल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, डिब्रूगढ़, जोरहट, जयपुर, छिंदवाड़ा, जुमई, बस्तर, नैनीताल और लक्षद्वीप आदि सीटें काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने हैं। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों, राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर, यूपी की 80 में से 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की 5, असम की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मणिपुर की 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट पर वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी की अपील है कि देशवासी वोट जरूर करें। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव की खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। बात करें अगर दूसरे चरण की तो 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। ये राज्य हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इनमें कुल 89 सीटों पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।